पुलिस थाने में गिरफ्तार कैदी अलसुबी सोच के बहाने थाने से बाहर निकलकर संतरी को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। इस कैदी को अवैध हथियार के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। साथी कैदी संतरी को धक्का देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। कैदी के फरार होने से थाने में अफरा तफरी मच गई तथा संबंधित पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। घटना पर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर पुलिस ने आसपास के सभी थानों में इसकी नाकाबंदी करवाने की सूचना दी गई। इसके साथ ही कैदी के घर पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। कैदी पहले तो पैदल भागा, फिर एक मोटरसाइकिल चुराई और मोटरसाइकिल चुराते हुए करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर छिप गया। पुलिस को करीब 6 घंटे तक पसीना तरबतर होने के बाद कैदी को दस्तयाब करने में सफलता हासिल कर ली। ये घटना जोधपुर जिले के डांगियावास पुलिस थाने की है, जहां अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार एक कैदी भाग निकला था, जो भोर के वक्त करीब 4 बजे सोच के बहाने थाने से बाहर संतरी को धक्का देकर भाग गया था और 6 घंटे बाद 15 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फरार कैदी अनिल डूडी पुत्र रूपाराम डूडी को 151 में गिरफ्तार कर बुधवार को थाने लाया गया था तथा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने को लेकर अनिल से पूछताछ चल रही थी।